हेलो एवरीवन, टीचिंग सब्जेक्ट चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं स्नेहा, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो अब तक हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि वहाँ पे लुई सोल्वी जो थे उनका शासनकाल था। फिर धीरे धीरे उनके शासन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर बढ़ गया था, लोग परेशान होने लग गए थे, तो उन्होंने क्रांति जो थी वो करना सही समझा और वो क्रांति करने लग गए थे। इसके अलावा हमने उसकी वहाँ की सोसाइटी का पढ़ा कि वहाँ पे 3 स्टेट्स होते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट। उसमें किस किस तरह के लोग थे, उन लोगों की क्या मांगे थी, कौन कौन से क्लब्स जो थे उन लोगों ने स्थापित किए, फिर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ के जो नागरिक थे उनको क्या कहा जाता था, कौन से नागरिक उसमें शामिल थे, दासों की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अब फर्स्ट पार्ट में। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जो अभी शामिल हुए हैं इसमें, वो जाकर के फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आएगी। तो हमने जहाँ पर पिछली क्लास में छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास अपनी। तो ये था कि पहला हमने अब हमें देखना है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी उस टाइम पे, वो लोग क्रांति का पार्ट थी या नहीं थी। क्योंकि क्रांति जो था, रिवॉल्यूशन जो था, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग अधिकारों की मांग कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम अपने नियम खुद से बनाएंगे। तो महिलाओं को भी क्या ये स्थिति, मतलब ये वाली शक्ति या बोल सकते हैं अधिकार दिए गए थे कि वो अपने लिए डिसाइड कर सकती थी कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है। तो वही हम देखेंगे कि शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, महिलाओं को ये अधिकार नहीं थे, राइट टू वोट भी नहीं था, इवन असेंबली में भी उनको पार्टिसिपेट करने का नहीं मतलब अधिकार दिया गया था। जनरल असेंबली जो शुरुआत में जनरल असेंबली थी, जो कि लुई सोल्वी ने बुलाई थी ये डिसाइड करने के लिए हमें कर बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, उसमें महिलाएं जो थी वो शामिल नहीं होती थी। ठीक है, तो यही था कि महिलाएं जो थी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो खुद के क्लब जो थे उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और वो अखबारों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से खुद को अवेयर करने लगी थी, बाकी महिलाओं को अवेयर करने लगी थी, और उस तरीके से वो लोग क्या करती थी, मांग जो थी वो धीरे धीरे रखने लग गई थी। सबसे पहले वहाँ इस पेज के थ्रू ना यही बताया गया आपको कि उस टाइम पे महिलाओं की दशा कैसी थी। तो यही था कि वो तीसरे स्टेट में जो थी वो ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो अपनी जीविका निर्वाह के लिए, मतलब जीने के लिए, वो लोग क्या करती थी, काम करती थी, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब काम जो थी वो करती थी। ठीक है, फल लाना, सब्जियाँ लाना, इस तरीके के। इवन जो कामकाजी महिलाएं थी, मतलब जो वर्किंग वुमेन थी, वो भी बहुत ज़्यादा काम करती थी, मतलब घर का हाउस होल्ड वर्क तो वो करती थी, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना करती हो। ठीक है, तो उसमें वो काम बाहर भी कर रही हैं, लेकिन घर में भी खाना पकाना ये सब जो है वो काम कर रही हैं, पाव रोटी लाना, इस तरीके से। तो इसीलिए जब पाव रोटी पर कर बढ़ाना, तो ये महिलाओं को भी बहुत बुरी लगी बात। ठीक है, क्योंकि वो एक तो घर चला रही हैं, थोड़े ही पैसे उन्हें पुरुषों से मिलते हैं, मजदूरी जो मिलती है उसमें से बहुत कम पैसे उनको मिलते थे, जिससे वो मतलब घर जो है वो चला पाती थी। अब उसमें खाने का करना, बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से क्या था, वो गुस्सा महिलाओं में भी था। अब क्या था कि इन्होंने क्या, धीरे धीरे उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स जो थे, ठीक है, राजनीतिक क्लब जो थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए महिलाओं ने, कि हम भी अब इसके थ्रू बुक्स या अखबारों से हम जो भी अवेयर होते हैं उसको हम बाकी महिलाओं को अवेयर करेंगे और रिवॉल्यूशनरी सिस्टम जो है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उनका जो क्लब था वो फेमस था, दी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, ये क्लब जो था वो महिलाओं का काफ़ी फेमस था उस टाइम पर जो उभर कर आया था। 1791 में नेशनल असेंबली ने, जिसमें 3rd स्टेट के लोग शामिल थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, उसमें महिलाओं के लिए मतलब अधिकार शामिल नहीं थे, इवन उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मतलब सक्रिय नागरिक वो नहीं थी, निष्क्रिय में शामिल थी, राइट टू वोट तो उनके पास था ही नहीं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन महिलाओं ने मांग की, उन्होंने अपनी स्थिति को सही करने के लिए क्या कहा कि जितनी भी स्कूली शिक्षा जो है वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अनिवार्य करो। ठीक है, उनके लिए नागरिक कानून बनाए जाएं, तलाक जो था उससे रिलेटेड कानून उनके लिए बनाओ। ठीक है, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब उनके मतलब कौशल विकास जो हम देखते हैं अभी के टाइम में, तो वही उनका कौशल विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग नहीं होगी किसी चीज़ की तो वो नौकरी किस चीज़ की पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे उन्होंने बोला कि हमें भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि हमें वो ट्रेनिंग मिले और हम उस तरीके से फिर अपना घर चला सकें, नौकरी पा सकें। और फिर उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए संघर्ष जो था वो जारी कर दिया, और वो चाहती थी कि हमें भी राइट टू वोट मिले। ठीक है, और इस इन अधिकारों की मांग में जो थी सबसे ज़्यादा जो महिला क्रांतिकारी सामने आई, वो थी क्रांतिकारी महिला ओलंप दी गूज। ठीक है, तो ये जो थी वो काफ़ी फेमस हुई, क्योंकि इन्होंने जैकोबिन जो सरकार उस टाइम पे चल रही थी उसका इन्होंने विरोध किया, उनके जितने भी नियम थे उनका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और इन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब देशद्रोह के मुकदमे चल गए थे, जिस वजह से इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो कभी भी क्या होता है कि वो क्रांतिकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं या फेमस हो जाते हैं, जो उस संघर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ओलंप दी गूज ने ना एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि औरतों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो उन्होंने यही बताया था कि स्वतंत्र जो है उनको होना चाहिए, जन्म से ही औरतें स्वतंत्र हैं, और उनको वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिले हुए हैं। तो ये सारे अधिकार जो है उन्होंने बताए हुए हैं कि महिलाओं को क्या क्या अधिकार जो है होने चाहिए। तो एक बार ये वाला आप रीड कर लेना, बस रीड करने के लिए, इससे क्वेश्चन इतना नहीं बनेंगे।
उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि दास जो थे उनका उस टाइम पे क्या मतलब स्थिति थी। तो इसमें बताया गया कि जैकोबिन शासन जो था उस टाइम पे कई ये हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो था वो बढ़ चुका था। अब व्यापार में क्या था ना, दासों का व्यापार भी उस टाइम पे शामिल हो गया था। तो एक फेमस था, उसको बोला था त्रिकोणीय दास व्यापार चल रहा था वहाँ पे। तो ये तीन मतलब देश थे जिनके बीच दासों का आदान प्रदान होता था, जिसमें था यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय था, मतलब एक ट्राइंगल चल रहा था दास व्यापार के लिए, जिनके बीच में दासों का आदान प्रदान होता था। दासों को उस टाइम पे दागा जाता था और हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, और उसके बाद उनको अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक महासागर जो है, उसके थ्रू एक देश से दूसरे देश पहुँचाया जाता था, जिसको जाने में उनको 3 महीने लग जाते थे। और जहाज़ों पर उनकी इतनी बेकार स्थिति होती थी, इवन वहाँ पर जाकर के जिस देश वो जाते थे वहाँ पर भी उनकी स्थिति इतनी बेकार थी, वो स्वतंत्र नहीं होते थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अवेयरनेस आई, उन्होंने बोला दास भी इंसान होते हैं, तो उनका व्यापार जो था वो कम ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मांग स्टार्ट हो गई। तो नेशनल असेंबली जो थी उसने तो कोई भी कानून ऐसा पारित नहीं किया था कि वो दास व्यापार को रोक सके। क्यों? क्योंकि जो बड़े व्यापारी थे उन वो लोग क्या करते थे, क्योंकि ये लोग श्रम कम लेते थे, पैसे कम लेते थे, तो उनके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा फायदेमंद थे। कौन? दास, ठीक है। तो ये जो बड़े व्यापारी थे, इन लोगों का गुस्सा जो थी नेशनल असेंबली नहीं झेल सकती थी, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों का विरोध स्टार्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और दासों से रिलेटेड उन्होंने कोई भी कानून पारित ही नहीं किया, उस पर ना ही कोई बात की। लेकिन 1794 के कन्वेंशन में ना फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, ठीक है। 1794 में इन्होंने बोला कि अब कोई भी दास जो है वो दास नहीं रहेगा, वो एक स्वतंत्र नागरिक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी के 10 वर्षों बाद जब नेपोलियन आया तो उन्होंने फिर से दास प्रथा को शुरुआत कर दी। इवन जो अफ्रीका के निग्रो लोग जो होते हैं उन लोगों को गुलाम बनाते थे ये लोग, और उनसे जो थे दास का काम करवाते थे। लेकिन इस दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन कब हुआ? 1848 में, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखना। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी, इस टॉपिक में हमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे वहाँ के लोग जो थे उनके जीवन में बदलाव आए थे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हो, उनके जीवन में बदलाव आने लग गए थे। और जो रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बाद अब ऐसे लॉ बन रहे थे जिसमें इक्वालिटी और फ्रीडम, ये जो आदर्श थे, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि ये दो तो ऐसे हैं कि लोगों को मिलने ही चाहिए। फिर धीरे धीरे करके सेंसरशिप जो थी उसको हटा दिया गया था। सेंसरशिप मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो जब न्यूज़पेपर या बाकी जितनी भी सामग्री होती है, कल्चरल या किताबें या बाकी चीज़ों पे जब हस्तक्षेप करती है ना कि नहीं ये छापो ये मत छापो, इस तरीके से, तो सेंसरशिप बाद में हटा दिया था। मतलब अब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो थी वो स्वतंत्रता थी, कि अब वो अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता उनको मिल चुकी थी। तो वो नाटक करते थे, संगीत में, उत्सवों में जुलूस निकालते थे, तो इस तरीके से वो लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्थिति उनकी बदलने लगी, वो लोग अवेयर होने लग गए थे। और एंड में कंक्लूजन में यही बताया गया कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। नेपोलियन जो थे उन्होंने बोला था कि फ्रांस का अब अग्रदूत जो है, मतलब फ्रांस की मुक्ति का अग्रदूत जो है वो मैं ही हूँ, यूरोप का आधुनिकीकरण जो है वो मैं ही करूँगा, मतलब मॉडर्नाइजेशन मैं ही करूँगा। ये सब बोलते हुए जो नेपोलियन थे उन्होंने अपने हाथ में सारी शक्ति ले ली थी, उसके बारे में यही बताया गया। तो ये जो चैप्टर है ना वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस चैप्टर में। तो मैं चाहूँगी कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, इसको पढ़ लेना। इसमें बहुत कमी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेन है, जो कि मैंने आपको बताई हैं, जो आपको याद। चलिए, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने ख़त्म कर लिया है, उसके बाद MCQ जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसका डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस उस फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में, रिवॉल्यूशन के चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चन उससे क्या बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है कि द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द, हिंदी में बता देती हूँ कि जो नेशनल असेंबली थी वो बनाई गई थी, मतलब नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो संविधान बनाया था 1791 में, वो उन्होंने क्यों बनाया था, मतलब किसकी शक्तियों को उन्होंने कम करने के लिए या सीमित करने के लिए वो संविधान बनाया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, मोनार्क, वेल्दी मैन, बिजनेसमैन और प्रेस। तो इसका आंसर जो है मुझे लगता है कि आप लोग दे सकते हैं, आपको पता ही होगा कि मोनार्क, यानी कि जो वहाँ पे राजशाही जो तंत्र था उसकी शक्तियों को उन लोगों ने सीमित करने के लिए ये कानून जो था उसका एक दस्तावेज यानी कि संविधान जो था वो उन्होंने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन की आंसर क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो रखी है, तो उसमें कोई टेंशन मत लेना आप। तो अगला क्वेश्चन है, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो किसने एक जो पैम्पलेट जो थे वो निकाले थे थर्ड स्टेट जो थे, कि मतलब
थर्ड स्टेट क्या है, उस नाम से किसने पैम्पलेट्स जो थे बहुत बड़े बड़े निकाले थे। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपने बुक में ये है वैसे, बट अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये निकल के आएगा कि थर्ड स्टेट क्या था। उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली जो थे उसके लीडर्स कौन सामने आए थे, दो लीडर्स उसमें सामने आए थे, कौन से थे, ये दो लीडर्स थे उसके, आबेसिए और मेराबेक, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा आबेसिए, ठीक है। तो आबेसिए जो थे उन्होंने ये पैम्पलेट निकाला था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, इस टाइटल से इन्होंने ये पैम्पलेट निकाला था। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ द पीपल डिड नॉट जॉइन द जैकोबिन क्लब, तो ऐसा कौन सा ग्रुप था जिन्होंने जैकोबिन क्लब जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब इसमें फिर से आप लोग दिमाग लगाना, कई बार क्या होता है चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें नहीं आ रहा होता, लेकिन उस टाइम पे आपको यही दिमाग लगाना होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, अगर वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसके आंसर्स में ही वो छुपा हुआ होगा, मतलब उसके ऑप्शंस में आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ होगा। तो देखते हैं, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, डेली वेजेस वर्कर्स और मैन विद प्रॉपर्टी। तो जैकोबिन क्लब आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन शामिल हुआ होगा। अब जैकोबिन क्लब जो था वो तो आम लोगों के लिए था ना, तो उसमें आर्टिसंस तो होंगे ही, मतलब जो आर्टिस्ट या बाकी कलाकार वगैरह जो थे, शॉपकीपर्स ये सब ये भी होंगे क्योंकि ये भी छोटे हैं, डेली वेजेस वर्कर भी होंगे। कौन नहीं होगा क्योंकि इसमें बोला डिड नॉट जॉइन, तो वो होगा मैन विद वेल्दी विद प्रॉपर्टी, मतलब वेल्दी मैन जो होंगे, मतलब जो रिच लोग होंगे वो जैकोबिन क्लब क्यों धारण करेंगे, वो तो ऑलरेडी अमीर है ना। तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर देख लेते हैं, मैन विद प्रॉपर्टी। चलो अगला है, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा कि उन्होंने क्या डिमांड किया था फ्रेंच वुमेन ने, तो राइट टू वोट उन्होंने डिमांड किया था, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली में इलेक्ट होने का उन्होंने अधिकार पाना चाहा था, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, कि हमें पॉलिटिकल ऑफिस भी हो, कि हमें असेंबली के लिए इलेक्ट भी करो, हम नेता भी बन सकें और हम वोट भी दे सकें, तो ये सारा इन्होंने मांग की थी। तो क्या जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अब। अगला है, ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो मैंने आपको बताई है, बाकी भी बताए हैं बट ये तो अभी जस्ट इसी वीडियो के थ्रू बताया था। तो ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, मतलब जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, त्रिकोणीय दास व्यापार, वो किन तीन देशों के बीच में चल रहा था उस टाइम पे, तो एक मैंने बताया था आपको यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव्स वॉर, मतलब जब स्लेव जो थे, दास जो थे, वो जब फ्री हो जाते थे, मतलब जब वो दास नहीं रहते थे, तो वो कौन से कलर की कैप पहनते थे, तो ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, वो जो प्रतीक जो बताए थे पिक्चर के थ्रू उसमें था रेड कैप, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, रेड कैप है आंसर इसका। फिर अगला है, हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीज़न, पैसिव सिटीज़न जो थे वो इनमें से कौन थे जो शामिल नहीं थे उसमें, तो पैसिव सिटीज़न में इसमें आएगा वेल्दी पीपल, क्योंकि वेल्दी पीपल जो थे वो पैसिव सिटीज़न में नहीं आते थे, ठीक है। बाकी इन ये लोग जो थे इनको तो निष्क्रिय में शामिल थे ही ये लोग, लेकिन इसमें ये लोग शामिल नहीं थे, वेल्दी पीपल किस में आते थे, सक्रिय में आते थे, ठीक है। तो निष्क्रिय में ये लोग शामिल नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेल्दी पीपल। अगला है, द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, मतलब थर्ड स्टेट किन लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो किन से बनता था, पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, पीजेंट एंड आर्टिसंस, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स एट्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट था, इसमें आर्टिसंस भी थे, पीजेंट्स भी थे, पुअर सर्वेंट्स, सब लोग शामिल थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टेंथ क्वेश्चन, ये जो हमारे सामने है उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वाज टेकन बाय द कन्वेंशन, जो एक कन्वेंशन वो लोग लेकर के आए थे उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक डिसीजन जो था वो लिया गया था, वो था डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, एबोलिस द मोनार्की, ऑल मैन एंड वुमेन अबव 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट, डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। तो वो जो कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, अपने एलिमिनेशन टेक्निक लगाने की कोशिश करते हैं। तो 21 ईयर जो था उसके बाद तो सिर्फ राइट टू वोट मिला था किसको, जो अमीर पुरुष थे उनको भी और जो गरीब पुरुष थे उनको भी, लेकिन सिर्फ किनको मिला था, मेल को ही मिला था, फीमेल को नहीं मिला था, ठीक है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, एबोलिश दी मोनार्की, मोनार्की को तो एबोलिश करने के लिए वो लोग लड़ ही रहे थे, तो कन्वेंशन तो इसके लिए अलग से वो लोग नहीं लेकर के आए थे। डिक्लेयर फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये भी नहीं था उसमें शामिल, तो आंसर क्या रह गया, डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। तो यही था कि
फ्रांस को वो लोग गणतंत्र बनाना चाहते थे, कोई और राजशाही तंत्र नहीं लाना चाहते थे, वो लोग गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे देखते हैं, हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब वहाँ पे जो संकट, जीवन का जो संकट उत्पन्न हो रहा था फ्रांस में, वो क्यों मतलब हो रहा था, मतलब किससे रिलेटेड था? तो वो था कि बार बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, की मतलब खाने का, अनाज की कमी हो जा रही थी, फूड प्राइसेस राइज, खाने के दाम का बढ़ जाना, पुअरेस्ट कैन नॉट बाय ब्रेड, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे वो ब्रेड तक, पाव रोटी भी नहीं ले पा रहे थे, लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिजीज, डेथ्स, फूड राइट्स, ये सब होने लगे थे। मतलब वो लोग क्या करने लगे थे, उनकी बॉडी जो थी उसमें बीमारियाँ होने लग गई थी, वो लोग मरने लग गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी। इस क्राइसिस में क्या होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू, मतलब सही नहीं है। ठीक है, अनट्रू है तो असत्य है, थर्ड स्टेट के बारे में। ठीक है, दी थर्ड स्टेट स्टेट ओनली वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, कि थर्ड स्टेट इट स्टेट जो था वो सिर्फ पुअर लोगों से मिलकर बना था, तो ऐसा तो नहीं था, उसमें कुछ कुछ वेल्दी लोग भी शामिल थे। ठीक है, कुछ कुछ रिच लोग भी शामिल थे। सेकेंड में दिया हुआ है कि विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। रिचर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ओन्ड लैंड्स, हाँ ये भी ठीक है कि जो अमीर होते थे उनके पास कुछ ज़मीनें होती थी। ठीक है, पीजेंट्स वर ऑब्लिज्ड टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड्स। ठीक है, तो ये वाला भी सही होगा कि उनको आर्मी में भी सर्व करने के लिए रिक्रूट किया जाता था। तो गलत कौन सा था हमारा? पहला ही गलत था, पहला ही हमें पता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर क्या है? अनट्रू पूछा है ना, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है। अगला है गुलेटिन, यहाँ पे ठीक से दिया हुआ है ये। तो गुलेटिन के बारे में मैंने आपको बताया था, ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड ब्लेड्स विद विच ए पर्सन वॉज बिहेडेड। अभी लास्ट में हमने बात की थी कि जैकोबिन क्लब जो थे उन्होंने बाद में क्या निकाला था कि कैसे लोगों को दंडित करेंगे, जो आतंक का काल हमने पढ़ा उसमें, तो उसमें यही था कि गुलेटिन जो था वो एक मशीन थी जिसके अंदर लोगों का सर रखते थे और फिर धड़ से उसको अलग कर दिया जाता था। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, द वर्ड लिवरेस स्टैंड्स फॉर, लिवरेस याद आया हमने पढ़ा था, तो लिवरेस क्या था? ये था हमारा यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ठीक है, तो ये फ्रांस की करेंसी का नाम हमने पढ़ा था। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लॉक, कि इनमें से जो बुक्स के ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ये है फर्स्ट ऑप्शन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो ये तो नहीं है क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, तो ये नहीं है। फिर बी है द टू ट्रिटीज ऑफ ऑन गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक ने लिखी है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी क्या है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी आपको याद होगा? रूसो ने, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। तो अगला आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट वाज स्टेट जनरल। सबसे पहले ना आप ये याद रखना कि हमें दो असेंबली के बारे में हमने इसमें पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। एक है स्टेट जनरल और एक थी आपकी नेशनल असेंबली। तो स्टेट जनरल जो थी वो थी जो कि लुई 16th ने जिनकी मीटिंग बुलाई थी कर जो था, टैक्स जो था उसके एबोलिशन के लिए, एबोलिशन बोल रही हूँ, टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो थी स्टेट जनरल उससे रिलेटेड थी, मतलब ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो कि ये डिसाइड करता था, उसमें तीनों स्टेट के लोग शामिल होते थे और ये लोग ये डिसाइड करते थे कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। जबकि नेशनल असेंबली जो बाद में बनी वो क्या थी, उसमें सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो शामिल थे, वो भी इन्होंने क्या किया था कि बायकॉट कर दिया था स्टेट जनरल जो थी, ये जो स्टेट जनरल थी इसको इन्होंने बायकॉट कर दिया था क्योंकि ये लोग इनकी जो वन वोट वाला ये लोग जो डिमांड कर रहे थे वो लोग ये नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से इन लोगों ने गुस्सा होकर के स्टेट जनरल को बायकॉट करके वो लोग उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली थी। तो ये जो दो इंस्टीट्यूशन है ना वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो थी ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जबकि ये जो था वो क्या था, थर्ड स्टेट ने मिलकर अपना एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाया था ताकि वो मांग कर सके। हाँ, तो इसमें अब देखते हैं कि व्हाट वाज स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल नहीं, ए पॉलिटिकल बॉडी यस, हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं, एडवाइजर ऑफ किंग नहीं। ठीक है, तो मेन क्या था, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म
ओल्ड रेजिम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब, मतलब ये बुक में मेनली मतलब शायद नहीं दिया हुआ है, बट हम देख सकते हैं इसमें कि इन्होंने क्या बताया था कि ओल्ड रेजिम मतलब पुराने से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो ये किसके लिए हुआ है, तो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, मतलब 1789 से पहले जो इंस्टीट्यूशंस बने थे फ्रांस में उसको बोलते थे ये लोग ओल्ड रेजिम। अगला आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं हिंदी में, इसका मतलब होगा कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो शामिल थे प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकारों में, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको चलो देखते हैं हम लोग कौन कौन से थे। तो ये राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, ठीक है, अभिव्यक्ति और बोलने की जो स्वतंत्रता थी वो भी था, इक्वालिटी यानी कि समानता, तो ये भी था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव है आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके क्वेश्चन की नंबरिंग तो आगे पीछे होगी, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो आगे पीछे इस वजह से क्योंकि सिर्फ मैंने वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से थे। तो हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा से देख लें, आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बता दिया है। हाँ, भी याद रखना कि हमें फ्रांसीसी क्रांति से क्या सीख मिलती है, हमने अपने तीन जो आदर्श है ना, इवन इंडिया ने भी वो इसी से लिए हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से, जो कि है हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो ये तीन आदर्श जो हैं हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही लिए हैं, ठीक है। तो ये जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी हिस्ट्री के लिए। तो ये चैप्टर अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आए हो फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर ही करना, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको कमेंट करना, मैं उसको आंसर करके ये ट्राई करूँगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। और अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, कोई प्रेशर मत लेना, अगला टॉपिक हम अगली वीडियो के थ्रू करेंगे। ओके, थैंक यू।